हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर आपके ओप्पो फाइंड एन टू फ्लिप फ़ोन में प्ले स्टोर नॉट डाउनलोडिंग एप्लीकेशन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में जो है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, या पर से जो है आप लोग इंस्टॉल पर क्लिक कर रहे हो लेकिन ये जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है, इंस्टॉल भी नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस ऐप्स का, तो इस ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ऐप मैनेजमेंट का, तो इस ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन ढूंढ लेना है गाइस। देख सकते हैं यार गूगल प्ले स्टोर, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन होगा, स्टोरेज यूसेज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक क्लियर डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे। डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही गूगल प्ले स्टोर का जो भी डाटा होगा, कैची फाइल्स वगैरह होगा, वो सब यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा और आपका जो प्ले स्टोर से जो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पा रहे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सेम वैसे ही प्रोसेस और एक एप्लीकेशन पे करना है, इस गूगल प्ले सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन होगा, क्लिक कीजिए। मैनेज स्पेस का ऑप्शन होगा, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही गूगल प्ले सर्विसेज का जो भी यहाँ पर आप लोगों का डाटा, कैची फाइल्स जो भी होगा सब यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा और आपका जो प्ले स्टोर नॉट डाउनलोडिंग एप्लीकेशन प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने ओप्पो फाइंड एन टू फ्लिप फ़ोन में प्ले स्टोर नॉट डाउनलोडिंग एप्लीकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।